इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फकीराबाद कर रहा हूं यार। ये तुम लोगों की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती? नहीं, तुम लोग अलग ले रहे हो हमारी और वो लोग अलग ले रहे हैं टैक्सेस। हाँ टैक्सेस, टैक्सेस अलग अलग ले रहे हो ना तुम लोग। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा मेरे को, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट जितने कंज्यूम किए उतने तुम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? नहीं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो वो होती है ना कि वो जो जिस चीज़ से फ्यूल आपका, वो जिस चीज़ से बिजली बनती है, तो या तो कोयले का होती है या तो फिर पानी की होती है। तो फिर यहाँ पर ये किस चीज़ की एडजस्टमेंट है? अच्छा चले 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 ठीक है। फाइनेंशियल सरचार्ज क्या है? नहीं ये भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपको भी नहीं पता क्यों लिखा है फिर यहाँ पे। अच्छा फिर उसके बाद ईडी तुम अलग ले रहे हो हमसे, महसूल है बिजली। वाह बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया तुम लोगों ने यहाँ पे। चार्जेस अलग है, महसूल है बिजली अलग है, टैक्सेस अलग है, सरचार्ज अलग है। नहीं कर क्या रहे हो? अच्छा ईडी, ईडी ले ली, चलो ठीक है 1.5% तुम लोग ईडी ले रहे हो। जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स 18%, जितना भी बिल बनता है, यानी इस हिसाब से तुम बिल पर 19.5% सिर्फ हमसे टैक्स ले रहे हो। नहीं, अच्छा, ठीक है ठीक है, चले मुल्क की खिदमत हो गई, मुल्क की खिदमत। नीलम झीलम सरचार्ज क्या है? नहीं भाई ये किस चीज के मैं पैसे दे रहा हूं? नीलम झीलम सरचार्ज, नीलम झीलम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया मार्च 2018 में, 21 माह से पैसे भर रहा हूं मैं, 21 माह से मैं 514 रुपये सिर्फ मैं अकेला बंदा तुम लोगों को दे चुका हूं। अच्छा, नीलम झीलम भी हमारा है, औरतों के नाम रख के तुम हमसे पैसे ले रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलग है। नहीं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर अलग है। तो कैसी मुल्क की खिदमत है भाई ये, हमने लूटा है पैसा? नहीं अच्छा चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सारी समझ में आ गई, सारे समझ में आ गए। 35 रुपये पीटीवी के किस बात के ले रहे हो? अरे भाई नहीं देखते हम पीटीवी, क्योंकि पीटीवी जब भी खोलो, अभी पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से खतरा है, पीटीवी में अभी तक जो है ना अमेरिकन सुंडी से खतरा है हमें। अभी पूरे मुल्क में बर्फबारी चल रही है, पीटीवी पे सिर्फ मालाकंड डिवीजन में बर्फबारी चल रही है। अरे भाई भाई सुई में धागा डालना हमने सीख लिया, ये पीटीवी के 35 रुपये काटो, कब से दे रहे हैं हम लोग। हाँ अगर 1 लाख लोग भी अगर दे रहे तो 35 लाख लोग रुपये तो तुम लोग हर महीने ले रहे हो। अच्छा फिर ये करंट बिल, इस पे तो मैंने सारे फार्मूले लगा दिए, मैथमेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, डमास्कस रूल लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला लगाया, लेकिन ये फिर भी मुझे समझ नहीं आया। अबे ओ हराम खोरो कफन चोरो, क्या तमीज से बात करूं? अच्छा भाई खाकसार के दिले मुतहर्रिक को दिमागे मुंतशिर में यह खदशा व अंदेशा मुबतलाए मौकेते तजस्सुस है कि अरसाए दराज से आपके लबों को हराम लगा हुआ है। नहीं आई ना समझ में? तो भाई बताना ये किस चीज के पैसे ले रहे हो, या तो फिर ये खाली डब्बे भी फिल कर दो, ये बहुत सारी बिल पे बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई ना, ये सारी जगह फिल करके इसमें भी डब्बों में बिल डाल के दे दो हमें। हाँ, तसल्ली से लो ना फिर, इकट्ठी लो इकट्ठी लो। हाँ तसल्ली से लो। हाँ, मुल्क का पैसा हमने ही तो चोरी किया, मुल्क का खजाना हमने ही तो खाली किया है, एवन फील्ड मेरे बाप का तो है, सिरेमेल मेरे बाप का तो है। कभी कभी तो मुझे लग रहा है ये मुल्क चला ही मैं रहा हूं। रखफन, और तुम लोग भी जाके पूछो ये 35 रुपये किस बात के पीटीवी के दे रहे हो तुम लोग।